के लिए इस्तेमाल कैसे हो सकता है। सुनील जी, मंच आपके वाले हैं, तो आपने वक्तव्य से लोगों को ज्ञान। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अभी 10 दिन बद्रीनाथ जी में लगा के अभी वापस आया हूँ, और घर में कोई समस्या थी तो आई वॉज नॉट मेंटली फिट टू गिव ए लेक्चर, परंतु प्रदीप जी एक बड़े भाई, इनका आग्रह मैं कभी अस्वीकार नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि आपको एक कुछ बोलना है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कोई ऐसा नई टेक्निक जिसको कहते हैं जो मैं देना चाहता था ऐसे मंच पर, वो इतनी नई तो नहीं है, पर फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। कैन आई शेयर द स्क्रीन यहाँ पे अभी? आप कर सकते हैं ओके ओके स्क्रीन। राइट राइट सर। मैंने पंच महापुरुष योग, तभी हम प्रवीण में जैसे ही स्टूडेंट नए आते हैं तो उसमें पंच महापुरुष हम योग पढ़ाते हैं प्री वन में ही, प्रवीण वन में, और सभी जनता जनार्दन ये देख के बड़ी खुश होती है कि हमारे इसमें पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो अब कोई भी ग्रह सूर्य चंद्रमा को छोड़कर, बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अपनी राशि में या अपनी उच्च के राशि में जब केंद्र में आ जाते हैं तो पंच महापुरुष योग बन जाते हैं। सबके अलग अलग है विवरण, आप सबको पता ही है। और योग के बारे में जनरली हम जो बताते हैं कि अगर वो योग जो राजयोग बेसिकली है सारे के सारे, अगर ये बचपन में अगर आपको मिलते हैं या वृद्धावस्था में लेट मिलते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। यह जरूरी है कि अगर उसका पूर्ण फल के लिए आपको जो लाइफ का जो मेन पीरियड होता है, तो जब आप कैरियर में आते हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई में, जब वहां से निकल के कैरियर में आते हैं, उसके बाद विवाह के बाद, अगर लाइफ की मेन लाइफ में आपको अगर वो योग मिल जाता है तो वो आपको एक अगले लेवल तक पहुंचा देता है। परंतु जब हम इसको टेक्निकली एनालिसिस करते हैं तो कोई भी ग्रह से हम कहते हैं बृहस्पति, तो उसकी अपनी राशि हो गई, एक वो उच्च की राशि हो गई, तीन राशि, 12 में से तीन राशि, दैट इज 1/4। तो साल एक दिन में ये तीन राशियां कम से कम केंद्र में बार 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 आएंगी, 12 लगन जब 24 घंटे में घूमेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 1/3 टाइम ये योग बन ही रहा होगा फॉर ए ईयर कंटिन्यूअस। जब जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि में आया या उच्च की राशि में आया एक साल के लिए, तो उसकी ये राशि केंद्र में बार 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 वो आएगी साल में, और पर डे 1/4 से 1/6 टाइम में ये केंद्र में बनी रहती है। मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। अब ये जो हम कहते हैं कि हर एक को राज ऐसे पंच महापुरुष के योग का फल मिलता हो ऐसा देखने में नहीं आता है, काफी इसके वो कुछ को अगर मिलता है तो कुछ को हम कह सकते हैं काफी लोगों के केंद्र में देखा गया कि पंच महापुरुष योग बन तो रहा है परंतु उसको पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। सिमिलरली और भी जो योग है जैसे केंद्र योग, ये एक अपने आप में सारे राजयोग भंग करने वाले होते हैं, तो योग के शुभत्व को देखने के बाद हमें ये देखना बड़ा जरूरी है क्या उस योग का भंग तो कहीं नहीं हो रहा है, क्या हम उस भंग का कहीं कैंसिलेशन तो नहीं है। कैंसिलेशन के राजयोग भंग के बारे में हर क्लासिकल में कहीं ना कहीं चैप्टर्स दिए हुए हैं, और ये राजयोग भंग अगर कुंडली में विद्यमान है तो राजयोग होते हुए भी उसका फल उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसमें पंच महापुरुष योग के फलीभूत होने के लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। लग्न आपका बलवान होना अत्यावश्यक है, अगर लग्न बलवान है तभी आप पंच महापुरुष योग का फल ले पाएंगे। लग्न के ऊपर चंद्र लग्न भी एक लग्न माना जाता है, तो चंद्र लग्न का बलवान होना अत्यावश्यक है, मानसिक बल होना जरूरी है, तभी हम राजा के पद पे राजयोग के फल ले पाते हैं। राजा के पद पे पहुंचने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक बल का होना बहुत जरूरी है। योग बनाने वाला ग्रह अगर वो केंद्र त्रिकोण में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है, जैसे पंच महापुरुष में केंद्र में हम कंडीशन लिखते ही हैं, परंतु अगर कोई दूसरा राजयोग भी है, अगर वो केंद्र त्रिकोण में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है तो अच्छी बात है, परंतु अगर वो अस्त का है
बकरी है नीच नवांश में है तो वो योग नहीं मिल पाता, उसका राजयोग का फल नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब है कि राजयोग देने वाला ग्रह आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बलि होना चाहिए और वर्गों में भी बलि होना चाहिए। जैसे श्री शर्मा जी ने कहा कि वर्गों में बलि जितना ज्यादा ग्रह होता चला जाएगा उतना ही उसको अच्छा फल मिलेगा, वो ग्रह उतना ही ज्यादा राजयोग देता है। तो सिमिलरली कोई भी राजयोग देने वाला ग्रह या पंच महापुरुष योग के जो ग्रह है अगर वो अस्त हैं, वक्री हैं, नीच नवांश में हैं तो उनके पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाते हैं, फल में कमी हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि वो योग भंग हो रहा है। सिमिलरली अगर योग बनाने वाला ग्रह मृत्यु भाग में ग्रह युद्ध में हारा हुआ है तब भी हम कहेंगे कि उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा, वो योग भंग हो गया है। ग्रह युद्ध में हारना किसी भी ग्रह के लिए उसके फल को कमी कर देता है, वो फल पूरा नहीं दे पाता क्योंकि वो युद्ध में हार गया है। सिमिलरली मृत्यु भाग में होना भी कष्टकारी है, वो आपको पूर्ण फल नहीं देगा, कहीं ना कहीं इसमें एफ्लिक्शन जुड़ गया है। अगर राजयोग देने वाला ग्रह थर्ड सिक्स्थ एट्थ या ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ ट्वेल्थ लॉर्ड के नक्षत्र में आ जाए या किसी नीच ग्रह के नक्षत्र में आ जाए तब भी हम कह सकते हैं कि ये वो राजयोग पूरा नहीं दे पाए। ये सब मैंने कुछ अलग अलग जगह से हैं, लेकिन ये योग पुष्पांजलि एक योग की है उसमें कुछ इसमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं, बाकी जगह में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं मिलेंगे। जिस घर में जिस भाव में जिस राशि में राजयोग देने वाला ग्रह बैठा हुआ है उसमें सर्वाष्टक वर्ग में 28 या उससे अधिक बिंदु होने अति आवश्यक है, अगर 30 से अधिक हो तो और ज्यादा राजयोग दे पाएगा। और ये भी जरूरी है कि वो ग्रह भाव चलित कुंडली में अपना भाव ना बदल रहा हो। अगर वो भाव बदल रहा है अपना तो उसके भी फल उसके पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो दूसरे घर में जा रहा है। हम राजयोग को जिस भाव से देख रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, जब हम चलित कुंडली में जाते हैं तो उसके भाव बदल रहे हैं। ये कुछ जनरल डिक्टम्स हैं जो हम जनरल हैं वैसे तो सभी उसके लिए, परंतु हम पंच महापुरुष के लिए देखेंगे ज्यादातर। अब देव केवलम में एक श्लोक है, वो अभी मैं आपको शो इट अप। वो कहता है कि अगर पंच महापुरुष योग में योग बनाने वाला ग्रह यदि अपने नीचनाथ मतलब जिस राशि में नीच का हो जाता है या केतु से संबंध बनाए तो योग भंग हो जाता है। यहाँ पे नीचनाथ उस ग्रह का भी नीचनाथ होता है या जिस राशि में वो ग्रह उच्च का है उसका उच्चनाथ अपने नीचनाथ से कंटेक्ट कर ले तो वो वहां योग भंग कर देगा। हम डिटेल में अभी देखते हैं। वॉल्यूम 2 श्लोक 27 देव केवलम का कहता है, जीवे शनि युते दृष्टे मालवियो मालवीय योग भंगवान रुच फलम व्यर्थम गृह छिद्रेण कृषिता। ये कहता है कि मालव्य योग अगर बनता है, मालव्य योग कब होता है, जब शुक्र अपनी उच्च की राशि में या अपनी राशियों में केंद्र में आ जाए, अगर उसमें शनि बृहस्पति से युति कर लेता है। अब यहाँ पे मालव्य योग शुक्र का है, शुक्र बृहस्पति की राशि मीन में उच्च का हो जाता है और बृहस्पति का नीच, बृहस्पति किस राशि में नीच का होता है, वो शनि की राशि में नीच का होता है। तो बृहस्पति अब तो शुक्र का उच्च नाथ है, वो अपने नीचनाथ से कंटेक्ट कर रहा है शनि से, तो यहाँ पे उच्चनाथ और नीचनाथ का संबंध योग को भंग करने वाला है। तो ये इट इज वेरी स्पेशल प्रिंसिपल कि अगर जो ग्रह योग दे रहा है उसके उसका उच्चनाथ जिस राशि में उच्च का होता है उसकी उसकी राशि का स्वामी, अगर वो उस ग्रह के नीचनाथ से संबंध बना ले या अपने वो उच्चनाथ जो है उसका जो नीचनाथ है, यहाँ पे इस केस में बृहस्पति उच्चनाथ है तो नीचनाथ उसका शनि हो गया। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है तो नीचनाथ मतलब शनि। तो बृहस्पति और शनि की युति अगर कुंडली में होती है चाहे मालव्य योग बन भी रहा है तो भंग हो जाएगा। सिमिलरली केर इसी देव केरलम के इसी वॉल्यूम के पेज नंबर 7 पे उन्होंने लिखा है कि अगर किसी भी राजयोग बनाने वाला ग्रह अगर केतु से संबंध करता है, केतु क्योंकि हमें भोग विलास से दूर करता है, राहु भोग कारक है, केतु उसका रिवर्स है, इसका बिल्कुल विपरीत है, तो केतु का संबंध भी योग बनाने वाला ग्रह है वो पंच महापुरुष योग में वो शुभ फल को खत्म कर देगा।
यहाँ पे हमने दो चीज इससे प्रिंसिपल्स में निकल के आती है कि अगर योग बनाने वाले ग्रह का उच्च नाथ अपने नीच नाथ से संबंध बनाए या केतु से संबंध बनाए तो वो योग भंग हो जाए। अब इसी को हम वन बाय वन सभी पंच महापुरुष योग में लेते हैं। सबसे पहले आता है मलभ्य योग। मलभ्य योग में शुक्र वृषभ में तुला में मीन का होकर केंद्र में हो तो मलभ्य योग होता है, सबको पता ही है यहाँ पे। और इसमें जो जन्म के समय अगर मलभ्य योग मिलता है तो वह धैर्यवान पुष्ट अंगों वाला प्रसन्न, मतलब शुक्र उसका बलवान है तो शुक्र से आपके जो भी तारकत्व उसको अच्छे मिलेंगे लाइफ में, तो वो नॉलेजेबल भी है, शांत चित्र है, स्त्री पुत्र सुख होता है, यशस्वी होता है, नेम एंड फेम होता है। और शुक्र क्योंकि सवारी का कारक है, व्हीकल का कारक है, तो अच्छी सवारी से शुरू से मिल जाती है, हमेशा वृद्धि मिलती है उसे लाइफ में, प्रोग्रेसिव है। परंतु ये मलभ्य योग मिलता कब है, पिछले जन्म में अगर आपने अपनी पत्नी बहनों या शुक्र के कारकत्व में जो लेडीज आती हैं इनका खास ख्याल रखा कि इसलिए आपको इस जीवन में मलभ्य योग मिल गया है। परंतु अगर इस जीवन में आपने अपनी पत्नी या बहनों को या शुक्र के रिलेटेड जो भी कारकत्व में जो लेडीज आती हैं उनका प्रताड़ित करते हैं फिजिकल या मेंटल, तो मलभ्य योग के फल आपको नहीं मिलने वाले। तो ये पहला भंग तो आपके बिहेवियर से है, चाहे वो कुंडली में आ भी गया तो आपको उसके फल को पूर्ण रूप से लेने के लिए आपको ये खास ख्याल रखना है कि अपनी पत्नी या बहनों को या जो भी हमारे लेडीज रिलेशंस में होती हैं जो शुक्र के समान है उन सबका हमें खास ख्याल रखना है, तभी हमें मलभ्य योग का पूर्ण फल मिलेगा। अब ये भंग कब होगा, शनि बृहस्पति को कुंडली में देखता हो या युति करता हो। अब शनि बृहस्पति का नीचनाथ है, बृहस्पति जो है शुक्र का उच्चनाथ है, उच्चनाथ और नीचनाथ दोनों के संबंध हैं, तो अगर देख रहे हैं या युति कर रहे हैं तो आपको ये मलभ्य योग आपका भंग हो रहा है। शुक्र का या बृहस्पति का संबंध केतु से भी हो जाए तो योग भंग है। शुक्र का संबंध बुध से, क्योंकि शुक्र जो है बुध जो है शुक्र का निजाधिपति है, इसकी राशि में नीच का हो जाता कन्या राशि में, तब भी ये योग भंग हो जाएगा। और अगर शुक्र और बृहस्पति बुध के या शनि या केतु के नक्षत्र में चले जाते हैं तब भी हम योग के फल में कमी आएगी। तो मतलब ये योग तो बन रहा है, बट वी हैव टू सी द कनेक्शंस आल्सो, कहीं ये अपने अपने उच्चनाथ या नीचनाथ से संबंध तो नहीं हो रहा है आपस में, या केतु से संबंध तो नहीं हो रहा है। इन दैट केस वी विल से कि आपका मतलब ये योग भंग हो रहा है। सिमिलरली रोचक योग, फल दीपिका में रोचक योग को डिफाइन किया गया कि मेष राशि मकर राशि का मंगल अगर केंद्र में आ जाए तो रोचक योग बन जाता है। और जो जो रोचक होते हैं मंगल की सारी करेक्टरिस्टिक बड़ी डोमिनेटिंग होती है, तो कहने वाला वो वेल बिल्ट होता है, साहस से धन कमाने वाला, शूरवीर बलवान, शत्रु विजयी, अभिमानी, उच्च पद पे आसीन, कीर्तिमान, हर उद्योग अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला होता है। ये एक जनरल डिक्टम उन्होंने रोचक योग के दिए हुए हैं कि अगर मेष वृश्चिक मकर राशि का मंगल केंद्र में आ जाता है कुंडली। कब मिलता है, पिछले जीवन में अपने भाइयों का काफी ख्याल रखा तो इस जीवन में मिला है, परंतु इस जीवन में आप अपने भाइयों का या भाई समान लोगों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें प्रताड़ित करते हैं या उनसे आपको शत्रुता हो जाती है, तो रोचक योग के फल खत्म हो जाएंगे, मिलने बंद हो जाएंगे। तो एक जनरल जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो पुनर्जन्म से हमें क्या क्या कर्म फल, इस पर भी ध्यान देना है। रोचक योग में हमें ये ध्यान रखना है, अगर इसका पूर्ण फल आपको लेना है, अगर कुंडली में बना हुआ है, तो आपको अपने भाइयों का या भाई समान लोगों का काफी ख्याल रखना है। अब मंगल का उच्चनाथ है शनि, इसका संबंध केतु से हो जाए जो भंग हो जाएगा। शनि और सूर्य का रिवर्स संबंध होता है, मतलब जिस राशि में शनि उच्च का होता है सूर्य नीच का हो जाता है, जिसमें सूर्य उच्च का होता है शनि नीच का हो जाता है, तो शनि और सूर्य का संबंध कुंडली में बन रहा हो तब भी आपको रोचक योग भंग हो जाएगा। शनि का संबंध चंद्रमा से, क्योंकि मंगल का नीचनाथ है चंद्रमा, मंगल चंद्रमा की राशि नीच का हो जाता है, तो शनि का संबंध चंद्रमा से ही बन रहा है तो रोचक योग भंग है। और अगर ये शनि मंगल चंद्रमा के या केतु के नक्षत्र में आ जाए तब भी ये योग भंग हो जाए। अंश योग पे आते हैं, अंश योग बड़ा अच्छा योग माना जाता है, बृहस्पति इसमें अपनी राशि का कर्क में, ये धनु या मीन में, और या उच्च का कर्क में होके केंद्र में बैठा होता है।
इसमें जातक को सुंदर शरीर मिलता है, चरित्र उत्तम होता है, समाज में रेस्पेक्ट होती है, ज्ञानी होता है, काफी सज्जन होता है, और इनके हाथ पैरों में जो सौम्य निशान बोले गए हैं अंकुश मत्स्य शंख कमल वगैरह के चिन्ह बने होते हैं। ये जनरल जो हमारे क्लासिकल्स में लिखा हुआ है। अब इन्होंने पिछले जन्म में अपनी जमा पूंजी सारी धर्म के काम में लगाई है, धर्म की काफी धर्म के कार्य में लगे रहे, मंदिरों का निर्माण किया है, धार्मिक कार्यों में दान धर्म में लगे रहे हैं, इसलिए इस जीवन में इन्हें हंस योग मिला है। परंतु इस जीवन में आदमी धार्मिक कार्य नहीं करता, धर्म से विमुख हो जाता है या अपनी आमदनी धार्मिक कार्य में नहीं लगाता तो हंस योग भंग हो जाए। इसके पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस जन्म में भी धर्म के कार्य से जुड़ा रहना चाहिए। मंदिर में जाके सेवा कीजिए, अपने कुछ पूजा पाठ के काम कीजिए, लोगों को तीर्थों तक ले जाइए, तो आपको ये हंस योग का पूर्ण फल मिलेगा। ये भंग कब होता है? बृहस्पति का उच्च नाथ है चंद्रमा, और नीच नाथ है ये चंद्रमा, और चंद्रमा का संबंध केतु से हो जाए तो हम कहेंगे कि वो योग भंग हो रहा है। सिमिलरली चंद्रमा का संबंध शनि से हो जाए, शनि बृहस्पति का नीच नाथ है, या मंगल से हो जाए, मंगल चंद्रमा का नीच नाथ है, तो चंद्रमा का संबंध दोनों से मिल जाता है तब भी हंस योग आपका भंग हो जाएगा। बृहस्पति शनि का संबंध म्यूचुअली भंग करने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति शनि की राशि में नीचे हो जाता है, और अगर ये बृहस्पति और चंद्रमा शनि केतु के नक्षत्र में जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये योग भंग हो रहे हैं। भद्रयोग में मिथुन या कन्या राशि का बुध केंद्र में बैठता है तो भद्रयोग हो जाता है। बुध की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जातक में बड़ी अच्छी से होती है, तो कुशाग्र बुद्धि, अच्छे भाषण, वाक चतुर होता है, भाषण अच्छा देता है, वैभवशाली होता है, और उच्च पद व्यासीन होता है, उसकी हाईली नॉलेज है, जनरल डिक्टम है इसका। अब मिलता कब है जीवन में? पिछले जीवन में जातक ने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो उसने आगे अपने शिष्यों में दे दिया, तभी उसे ये भद्रयोग प्राप्त हुआ है जीवन में। इस जीवन में अगर जातक अपना ज्ञान जो अर्जित किया उसे नहीं बांटता आगे तो ये इसका फल योग भंग हो जाएगा, इसके फल उसको नहीं मिलेंगे, और अगले जीवन में तो मिलेंगे बनेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए होता है, सुपात्र को सुपात्र को ज्ञान दिया जाता है, परंतु जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया उसको अपने साथ लेके मत जाइए। केदार जी हमें बताते थे कि एक किसी पंडित को एग्जैक्ट एज निकालने आती थी, केदार जी उनके पास गए कि हमें किस फार्मूला पे हमें बता दो तो हम आगे अपने स्टूडेंट में बांट दें। उस पंडित ने 10 कुंडलियां ली, 10 में से 9 की एज उसने बता दी, 10 में अभी उसकी डेथ नहीं हुई थी एग्जैक्ट 10 में, परंतु उसने लास्ट तक जाते जाते उसने अपना ज्ञान आगे बांट के नहीं गया, अल्टीमेटली ऐसे चला गया। तो कहने वाला है ज्ञान बांटने के लिए होता है, एक विद्या थी जो उसके पास थी, प्रूव हो गई थी, लेकिन वो आगे उन्होंने नहीं बटा। उन्होंने केदार जी ने उससे शेयर की थी बात, जो पंडित जी ने उन्हें लास्ट तक उन्हें बताया नहीं, 2-3 बार गए उनके पास, तो वो बाद में बताएंगे, अल्टीमेटली वो चले गए। तो भद्र योग के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ये आपको जरूरी है, जो भी ज्ञान आप अर्जित करते हैं उसको आगे बांटते जाए। अब भंग कब होता है? इसका संबंध केतु से हो जाए, बुध का संबंध शुक्र से हो जाएगा, बुध जिस राशि में उच्च का है शुक्र से नीच का है, उस शुक्र से संबंध होने पे भी ये योग भंग हो सकता है। बुध का संबंध बृहस्पति से हो जाए, क्योंकि बृहस्पति जो है बुध का नीच नाथ है, तब भी हम कहेंगे कि ये योग भंग हो गया। बुध यदि बृहस्पति शुक्र या केतु के नक्षत्र में आ जाता है तो भद्र योग भंग हो जाता है। अपने शश योग में शनि के लिए, शनि जिसका अच्छा केंद्र में अपनी राशि या उच्च का होकर बैठा हो तो शश योग बन जाता है। ऐसा जातक क्लासिकल में लिखा हुआ है कि प्रभावशाली होता है, गांव का मालिक होता है, अनेक व्यक्तियों का स्वामी होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, धनी बलवान, बेसिकली लेबर लीडर ज्यादा माना जाता है शश योग वाला, धनी बलवान सुखी होता है, परंतु उसका आचरण संशय होता है और अन्य स्थितियों में असक्त रहता है। ये जनरल डिक्टा उन्होंने लिखा हुआ है। पिछले जीवन में अगर जातक ने अपने कर्मचारियों का, नौकरों का ख्याल रखा है तो उसे इस जीवन में शश योग मिला है। इस जीवन में अगर वो जातक अपने कर्मचारियों को, नौकरों को ख्याल नहीं रखता तो ये शश योग भंग हो जाए। तो शश योग के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको इट इज नेसेसरी कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके
सर्वेंट्स वगैरह उसका पूरा ख्याल रखें, उनकी हमेशा किसी को भी कमी पेशी होती है तो उनको पूरी करते रहे, तभी आपको इतना पूर्ण फल मिल पाएगा। अब इसमें शनि का जो उच्च नाथ है वो है शुक्र, शुक्र केतु के साथ हो या बुध के साथ हो तो ये योग भंग हो जाता है। शुक्र यदि मंगल के साथ भी हो, क्योंकि मंगल शनि का नीच नाथ है, तब भी वो भंग हो जाएगा। शनि मंगल के साथ या शुक्र मंगल के साथ, दोनों केस में ये योग भंग हो जाता है। और शनि यदि केतु मंगल या सूर्य के नक्षत्र में आता है तब भी वो हम कहेंगे कि ये योग भंग हो जाता है। अब ये तो हमने जनरल डिक्टम दिए, कुछ सारावली में भी योग भंग के काफी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, और जनरल से 2-4-5 जो इम्पोर्टेंट है वो मैं गोइंग टू रीड इट आउट। अगर लग्न में सूर्य मंगल बृहस्पति या शनि में से कोई भी ग्रह नीच का हो, साथ में चंद्रमा भी नीच का हो, तो सारे कुंडली के राज्यों को ऑटोमेटिकली भंग हो जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सूर्य क्योंकि लग्न होता है, चंद्रमा भी लग्न होता है, ये नीच के हैं, मंगल गुरु शनि इनमें से कोई नीच का ग्रह अगर लग्न में बैठ गया है और साथ में चंद्रमा भी नीच का है तो विल से कि हमें राज्य भंग हो रहे हैं। सिमिलरली क्षीण चंद्रमा अगर परम नीच का या नीच नवांश में होता है, या सूर्य परम नीच का या नीच नवांश में होता है, तब भी राजयोग भंग हो जाते हैं सारे। सूर्य के केस में तो कहा है हजारों राजयोगों को नाश करता है, और मनोबल होना बड़ा स्ट्रॉन्ग जरूरी है। अगर चंद्रमा आपका नीच नवांश में क्षीण है तो आप राजयोग होते हुए भी आप उसका भोग नहीं कर पाते। नीच का बृहस्पति लग्न में आ जाए, चंद्रमा कर्क में ना हो, तो जातक का राजयोग भंग होता है। और कहा जाता है कि दुखों से ऐसे पीड़ित हो जाता है कि जैसे कामी पुरुष वेश्या के वश में आकर निर्धन या दुखी रहता है। केंद्रुण योग में भी अगर योग का भंग ना हो रहा हो, मतलब वो किसी ग्रह से ना देखा जाता हो, तो राजयोग भंग होता है। वो भी ऐसे व्यक्ति भी राजाओं के राजा का पुत्र होके भी राजा नहीं बन पाता, ये फल दीपिका में लिखा है, तो स्वयं दुष्टाचरण करने वाला हो जाता है, उसको कोई भी राजयोग का फल नहीं मिलता। शुक्र जो वेल्थ देता है आपको, सारी लग्जरी देता है, अगर वो नीच नवांश में चला गया तब भी आपके सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। असीमित राज्य मिलने पर भी, असीमित राज्य मिलने पर भी वो राजयोग भंग। कुंडली में 5 ग्रह नीच के हो, मतलब जितने ज्यादा नीच के ग्रह होंगे या अस्त होंगे उतने ही राजयोग भंग हो जाए। ये जरूर कहा जाता है कि अगर किसी कुंडली में 3-4-5 ग्रह उच्च के आ जाए लेकिन एक ग्रह नीच का हो तब वो राजयोग देने में हेल्प भी करता है, परंतु 5 ग्रह नीच के हो जाए, अस्त हो जाए, तो राज्यों को ऑटोमेटिकली बन जाए। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल पार्ट ऑफ इट, नाउ दिस इज अ हॉरोस्कोप। दिस फेलो इज अ लीडिंग एडवोकेट। यहाँ पर कुंडली में बड़ा स्ट्रॉन्ग शशोक बना हुआ है, दशम भाव में शनि केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु भी एक पताका होती है जिसमें कहा जाता है कि दशम में केतु आ जाए तो अपने नाम का झंडा वो अपने कार्य से लगाता है। शशोक तो बना हुआ है, नो डाउट, ये उसकी नवांश कुंडली भी है इधर। अब नवांश में शनि नीच का हो गया, पहला राजयोग भंग ऑटोमेटिकली, केतु के साथ है, इधर भी केतु के साथ है। शनि मंगल द्वारा देखा जाता है, तो शनि अगर अपने नीच नाथ को देख रहा है तो नेचुरली वो भी राजयोग यहाँ पे भंग होता है। तो केतु के साथ हो गया, शशोक भंग हो गया, नीच नवांश में चला गया, मंगल अपने नीचनाथ द्वारा देखा जाता है, तो ये दोनों ही इन सब केस में यहाँ पे शशोक भंग हो रहा है। हाउ टू डिसिफर, शनि की दशा इसकी शुरू हुई January 1990 में, 19 साल की दशा होती है, सबको पता ही है। यहाँ पे कैसे दशा शुरू हुई, उस दशा के शुरू में ही जातक ने At that time he was just अपना law profession कर रहा था, he was very good in profession also initially. उसका mind धीरे धीरे कुछ business की तरह divert होने लगा कि मुझे ये business करना चाहिए, I want to do some my own profession. और उस समय क्योंकि computer जब start हुए थे, he studied some computer, तो उसने ultimately वकालत छोड़ के अपना computer का profession शुरू कर। And he had very heavy losses in शनि दशा, महादशा, और अल्टीमेटली उसकी सिचुएशन ये हो गई कि लास्ट में उसको समय समय पर उसको घर के खर्चे के लिए भी पैसे की तंगी रहने लगी। दो इन द बिगिनिंग ऑफ द दशा ही वाज वेरी वेल प्लेस्ड अबव ऑल हिज कोलीग्स, अपने जितने भी कोलीग्स थे उससे वो 2-3-4 टाइम्स ज्यादा कमाता था एट द बिगिनिंग ऑफ द दशा।
परंतु दशा खत्म होते होते ये हालत हो गई उसकी कि वहां पे इन द पीक ऑफ द दशा ही वाज इन हेवी डेट। घर अपना दो तीन बार छोड़ चुका, घर अपना ओन हाउस छोड़ चुका था, उसने अपने पेरेंट अपने ब्रदर्स वगैरह से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में केसेस वगैरह डाले, तब ही गॉट द प्रॉपर्टी इन द एंड ऑफ द दशा और उसने सारी बीच बात की। अल्टीमेटली जब दशा खत्म हुई ओनली देन ही वाज एबल टू गेट हिज ओन हाउस। उससे पहले वो किराए में एक जगह से दूसरी जगह भटकता ही रहा। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द दशा उसका पेरेंटल हाउस ही 800 गज की कोठी बनी हुई थी उसकी, और दशा में वो इतना ज्यादा परेशान रहा तो शश योग के पल उसकी दशा में यहाँ बिल्कुल नहीं मिले। तो जो भी था ही हैड इलेक्शन आल्सो इन बार काउंसिल दैट आल्सो ही वाज डिफीटेड। तो यहाँ पे उसको किसी प्रकार का कोई भी लाभ शश योग का देखने में नहीं मिला। नाउ इसमें शनि मंगल द्वादश केतु की युति श्री नमाज मनीष का या टोल्ड योर देयर आल्सो। नाउ दिस इज अनदर चार्ट। इस चार्ट में हंस योग बना हुआ है, जुपिटर उच्च का दशम में बैठा हुआ है अगेन अलोंग विद द सन गिविंग नेम एंड फेम एंड दशा स्टार्टेड इन मार्च 98 अप टू मार्च 2014। इन द बिगिनिंग ऑफ द दशा शी वाज जस्ट मैरिड और शी वाज ए स्कूल टीचर एंड गोइंग ए कैंडिडेट फॉर द प्रिंसिपल। यहाँ पे बृहस्पति अपना जो ये हंस योग बना रहा है इसमें बृहस्पति का उच्च नाथ चंद्रमा शनि द्वारा देखा जाता है जो बृहस्पति का नीच नाथ है, मंगल द्वारा देखा जाता है जो मंगल जो है चंद्रमा का नीच नाथ है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर हंस योग भंग हो रहा है एंड नवाश में भी बृहस्पति लग्न में नीच होके बैठ गए अगेन अलोंग विद एग्जॉल्टेड मार्स। हालांकि चंद्रमा वर्गोत्तम है कुंडली में रोहिणी नक्षत्र का सपोज टू वेरी गुड नक्षत्र फॉर मून और इसमें इन द बिगिनिंग ऑफ द दशा हर हस्बैंड स्टार्टेड ए बिजनेस हैव हैड हेवी लॉसेस ही वाज अनएम्प्लॉयड फॉर फ्यू इयर्स। तो शी फंडेड फ्रॉम हर सैलरी फॉर हस्बैंड टू स्टडी एंड डू समथिंग। She was pregnant by 2000. So Jupiter में से शनि की दशा में शनि पंचमेश है, you can see very well Jupiter is the कारक for fifth house. So again she got a second daughter. परंतु the position was such कि उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। She had to stay in her parents' house because of some disputes and her husband got a job in USA. He left for USA. She was alone to take care of two children. But in Jupiter Mercury dasha, she left the job. For Mercury, you can see the 12th node also, 9th node also. So she left for USA. And to again, Hans Yog was, farewell years of Hans Yog were not fructified. वहाँ जाते उसके husband के younger brother, उनकी wife की death हो गई, he was having three children. तो तीन उसके और दो अपने बच्चे इसको दो चार साल संभालने पड़े छोटे छोटे। So she was again in a lot of trauma there, having a dispute with the husband and her in-law. In Jupiter Venus dasha, she took some house on rent. Financial problem was there again, but in spite of all her efforts, she couldn't get a job over there in the US. Jupiter Mars, she purchased her own house. बट अगेन यूएस में जैसे आपको पता है 20-30 साल की किश्तों में बनते हैं। तो जुपिटर की राहु की दशा वाज आल्सो नॉट फ्रूटफुल। हस्बैंड की सिस्टर को कैंसर हुआ, शी हैड टू सेंड ऑल हर एक्युमुलेटेड फंड टू हर। तो थ्रू आउट द जुपिटर दशा शी वाज नॉट एट ऑल इन कंफर्टेबल पोजिशन, शी लॉस्ट व्हाटएवर शी हैज अर्न और पूरा क्राइसिस में रहा। हालांकि कुंडली देखने पे दशम में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है अलंग विद द सन और उच्च की बृहस्पति की दशा है, इट वॉज नॉट एट ऑल फोर्टिफाइड। So this is a brief time constraint is also there. So I would, मैंने आपको बताया दिया चंद्रमा जो है शनि बृहस्पति के नीचना द्वारा दृष्ट है, चंद्रमा मंगल द्वारा भी दृष्ट है और बृहस्पति और शुक्र भी जो है दोनों नवांश में नीचे हुए।
शुक्र का भी नीचे नवाश में जाना अपने आप में एक राजयोग बंद करता है। इस वाज़ अ ब्रीफ लेक्चर ऑन द योग भंग, पंच महापुरुष योग भंग। होप दैट वाज फ्रूटफुल। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।